क्या पढ़ रहे थे लास्ट? काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डल गई थी, कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखवा दी थी मैंने। चलो तो ठीक है आओ, मैंने वो बता दिया था काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m होती है, ये सब बात हो गई थी। ठीक, अच्छा सुनो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको ऐसे बोला है, सुनो कि किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, एक प्रोजेक्टाइल है, क्या चीज है, प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हाफ हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे जाके, के बाय टू हो जाती है, कहां पे जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके के बाय टू हो जाती है, मतलब इनिशियल अगर के है तो फाइनली क्या हो जाती है, के बाय टू, समझ पा रहे हो? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, सिक्सटी, और कोई 45। सॉल्व करो, ऐसे क्या देख रहे हो बावनों टाइप। किसी पार्टिकल की जिसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पर के बाय टू हो जाती है, मतलब ये यहां पर, और यहां पर क्या थी बेटा, के, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा एक चीज बता, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या लिखोगे, के इनिशियल इज हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, के फाइनल हाफ एम। अब क्या वी की वैल्यू सिर्फ यू कॉस थीटा रह गई, मतलब वी स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यार समझ ही नहीं आ रहा तुम, नहीं आया समझ में? अब के फाइनल हमें क्या बता रखा है कि के इनिशियल की हाफ हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, के इनिशियल की मतलब के बाय टू हो गई है, कितनी है ये, के बाय टू, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोल हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, हाफ एम, बोलो जल्दी से, वी स्क्वायर बाय टू, नहीं आया समझ? अच्छा ये यू ही तो होता है यहां पर भी, तो यहां भी यू लिख देता हूं, यू का ही तो कॉम्पोनेंट है बेटा, यू कॉस थीटा, बोलो, तो देख हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, क्या दोनों खत्म हो गए? आपके पास में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाय, मतलब थीटा कितना आ गया, समझ ही नहीं आया, दैट्स इट। 60 कैसे लाया, आजा, अरे तेरे को लगा 1/2, 1/2 तो कॉस 60 पे आता है ऐसे, चल कोई बात नहीं, अच्छी सोच थी पर कोई बात नहीं, 45 इज द आंसर, नहीं आया समझ लो, सभी लोगों को आया? अच्छा मान लो वेलोसिटी हाफ हो जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। मैंने बोला कि किसी पार्टिकल को फेंका और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, मतलब यू से फेंका टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, यू बाय टू, अब बताओ क्या हो गया, अभी भी नहीं आ रहा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो चुकी होती है भाई, सिर्फ यू कॉस थीटा ही बचता है ना, तो आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, जो कि क्या है बेटा, यू बाय टू है कि नहीं, यू से यू कट गया, आप बता थीटा कितना आ गया, मतलब कि सॉरी कॉस इनवर्स 1/2 लिखा था वो 60 डिग्री, बोलो आया कि नहीं, यह आंसर याद होगा तेरे को, शीट में किया था ये, अपन ने काइनेमेटिक्स की शीट के जो कुछ क्वेश्चन किए थे ना शुरुआत वाले, उनके अंदर मिला भी था आप लोगों को, हालांकि याद नहीं है वो एक अलग बात है, तो वहां पर थीटा जो है वो 60 डिग्री था, पर यहां थीटा क्या है 45 डिग्री, समझ पा रहे हो? तो खैर ऐसे अर्जी फर्जी से क्वेश्चन आते हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर, जिन एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे तुच्छ दर्जे के सवाल नहीं पूछे जाते, हालांकि तुच्छ सवाल था स्टिल कई लोग लोटे पड़े थे, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आइए देखिए हमारे पास में बहुत ही जोरदार सी गाड़ी है, और ये जो गाड़ी है बेटा आगे को जा रही है लेट से 2 मीटर पर सेकेंड से,
इस गाड़ी के अंदर देयर वॉज अ ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक था बेटा 2 किलो का, और इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे। ब्लॉक पे क्या लगा रहे थे अंदर? 10 न्यूटन की फोर्स। ये हमें गिवन है कि टी इक्वल्स टू जीरो पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है बेटा? जीरो। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। एक ऑब्जर्वर यहां पर है, बोलो क्या अंदर मैं ही खड़ा हो जाता हूं, और बाहर मैडम खड़ी है हमेशा की तरह बाहर से देखते हुए। ठीक है, अब सुनो, बात सुनना, बहुत जरूरी है, अल्टीमेट जरूरी है। यहां मैं, यहां मैडम, यहां 2 किलो का ब्लॉक, यहां 10 न्यूटन की फोर्स, यहां पे टी जीरो के ऊपर क्या दे रखा है? यू इक्वल्स टू, मतलब इनिशियली पार्टिकल इज नॉट मूविंग, इनिशियली पार्टिकल इज, अब हो क्या रहा है? हमें काइनेटिक एनर्जी मेरे रिस्पेक्ट में और काइनेटिक एनर्जी मैडम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मी एंड मैडम। बोलो डिफरेंस आएगा, सेम आएगा? विल देयर बी एनी डिफरेंस? व्हाई विल देयर बी डिफरेंस? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। क्या तुम लोग भूल चुके? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम लोगों ने क्या इक्वेशन लिखी, बोल। सबसे पहले अगर मैं मेरी बात करूं, किसके लिए सॉल्व करें? मेरे लिए सॉल्व करते हैं, चलो। तो मैंने जब देखा तो मेरे लिए तो ब्लॉक अभी रेस्ट पे है या चल रहा है? मेरे लिए किस पे? रेस्ट पे। और मान लो काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेट करनी थी वो हम लोगों को करनी थी एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स पे करनी थी? 5 सेकेंड पे करनी थी। तो बता पहले तो इस ब्लॉक के पास कुछ एक्सेलरेशन है क्या? है तो सही, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं ना, तो इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5। नजर ही नहीं आया? पक्का? तो भाई यू इक्वल्स टू 0 बट ए इक्वल्स टू व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो है? तो बोलो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 सेकेंड बाद? u प्लस at, u 0 है, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू भी, आंसर बोलिए 25 इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। 25 इज द, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम। तो काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है अभी? मेरे रिस्पेक्ट में। तो हाफ मास कितना और v स्क्वायर 620, दो दो, आंसर बोल 625 जूल। क्या तेरे को समझ में आ गया? 100% आया? डन? नहीं आया समझ? पक्का है ना? ठीक है, अब मैडम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब मैडम ने उस वाले ब्लॉक को देखा तो ब्लॉक पहले से चल रहा था या रुका हुआ था? चल रहा था। क्योंकि ये ब्लॉक चल रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2। कितनी है वेलोसिटी? 2। तो मैडम ने जब ये इक्वेशन लिखी तो उन्होंने यू को 2 लिया या 0 लिया? 2 लिया, क्योंकि उनके लिए तो गाड़ी चल रही है। और अब गाड़ी में कोई आदमी ब्लॉक पे और फोर्स लगा रहा है, गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है जो ब्लॉक पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो इसीलिए यू क्या हो गई? 2। और एक्सेलरेशन तो वही है 5। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो 2 प्लस 5 इनटू 5, आंसर बोलो 27 मीटर पर सेकंड। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी विल चेंज और नॉट? हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी चेंज? बोलो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी? कितनी आ जाएगी? बोलो हाफ, अब मास बोलो 2 इनटू 27 इनटू, क्या 2 से ये वाला 2 काट दूं? बेशर्मो, 2 से ये वाला 2 कटेगा, ये वाला कटेगा? अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 729। क्या तुम्हें याद है? क्या आपको डिफरेंस नजर आया दोनों में? अलग अलग है तो ऑब्जर्वर के हिसाब से और काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो वेरी। क्या मास भी वेरी कर जाता है? बावड़े हो गए, वेलोसिटी वेरी कर जाता है। क्या वेरी करती है? मास ही बदल दिया। सर अभी खाना खा के आए तो 5 किलो ज्यादा, जब सुबह सुबह आए तो 5 किलो कम, है ना? चलो तो ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। सुनो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, काइनेटिक एनर्जी हो गई समाप्त और कौन सी एनर्जी हो गई शुरू? अच्छा ये मत सोच रहे कि बस काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई जीवन में। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता लग चुकी हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसे डिफाइन होती है, कैसे उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। पर जनरली इस तरह के जो सवाल हैं ये कम ही पूछे जाते हैं।
जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा जब हम लोग एक अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद, तब आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? आपने सुनिए ना अपनी लाइन, नर्चरिंग पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, सुनाए कभी? हमारा विश्वास हर एक विद्यार्थी है खास और एक नर्चरिंग पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, सुनाए ना? तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल सबके पास है पर उसको बाहर लाने की दिक्कत होती है, होती है कि नहीं? सबके पास में कोई एनर्जी है जो उसके अंदर है तो सही, पर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे। हम उस एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपकी वो वाली एनर्जी बाहर आ गई तो बोलते हैं ना यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, सुना है आप लोगों ने? ऐसे बोलते हैं सबके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बस पहचानने की देर है कि वही पोटेंशियल है। हर बॉडी के पास में इनफाइनाइट एनर्जी है, बस पहचानने की देर है। अभी इस चौक के पास में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? है, पर अगर मैं यहां से इसे यहां ले गया तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई या कम? डिपेंड करेगा रेफरेंस क्या है, डिपेंड करेगा क्या क्या है। पर चाहे यहां पे ये मूविंग थी क्या, बता, यहां पे मूविंग है क्या? मूविंग यहां भी नहीं है, तो क्या रुकी हुई बॉडीज के पास में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है या चलती के साथ ही होगी? नहीं नहीं, चलती के साथ तो काइनेटिक तो होगी ही होगी, चलती के साथ काइनेटिक तो होगी ही होगी। पोटेंशियल डिपेंड करेगी रेफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिपेंड करेगी। पर मान लो मैंने तो जमीन को रेफरेंस मान रखा था और इस वाली चौक को उठा के मैं यहां पर ले गया, तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी इज एमजीएच, yes, याद आ रहा है? yes, वो जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच पढ़ा था वो जमीन रेफरेंस मान के पढ़ा था। yes, क्या रेफरेंस माना था? yes, पर हमें बस इतना पढ़ा देते हैं कि किसी भी बॉडी को एच हाइट ऊपर ले जाओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एमजीएच, जो सरासर गलत, जो क्या है? गलत। उसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हेन जमीन इज द रेफरेंस, व्हेन जमीन इज द, मैं अगर मान ले इसी पॉइंट को जीरो रेफरेंस का पॉइंट मान लूं तो जमीन से यहां लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई मेरी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इसके ऊपर गया तो अलग, इसके नीचे गया तो अलग, पर यहां पर क्या है? जीरो। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो हम डिफाइन करेंगे किसी बॉडी के कन्फिग्रेशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी आई वो पोटेंशियल एनर्जी है। कन्फिग्रेशन एज इन बॉडी की अपन ने लोकेशन बदल दी, उसकी पोजीशन बदल दी, समझ पा रहे हैं? उसके अंदर जो पार्टिकल्स, जो मतलब जिस तरह से फैले हुए थे उन पार्टिकल्स का फैलाव बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग जब पड़ी हुई है तो चुपचाप पड़ी हुई है, और वही आप लोगों ने देखा है पेन को यूं खचाक से दबाओ तो यूं उड़ के जाता है, देखा है ना आपने? पेन में स्प्रिंग होती है, उड़ के जाता है ना पेन, तो वो भी तो स्प्रिंग ही है, पर जब चुपचाप होता है तो जबरदस्ती उड़ रहा होता है क्या? नहीं, आप उसमें कर क्या रहे हो? स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सपेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंप्रेस और एक्सपेंड। तो जैसे ही अपन पेन के ढक्कन को यूं दबाते हैं, उसके बटन को पीछे से, तो जोर से बटन वापस पीछे आता है। क्यों? क्योंकि आप स्प्रिंग के अंदर क्या भर देते हो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या भर देते हो? तो बेसिकली पार्टिकल्स का आदान प्रदान आपस में एनर्जी का हो रहा है, एक दूसरे पार्टिकल भी एक दूसरे के ऊपर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि देख मैं अगर ऐसे चला गया, तू अगर ऐसे चला गया, तो अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी, मजा आ जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये एनर्जी सिर्फ ऐसे बॉडीज के अंदर ही कन्फाइंड नहीं है, ये जो एनर्जी है ये मजे की बात, ये चार्जेस के पास भी है। मासेस के पास तो है ही सही, और किसके पास है? चार्जेस के पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने लिखा होगा ना K Q1 Q2 R, वो तो आपने K Q1 Q2 R² लिखा था, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे और ट्वेल्थ में आएंगे तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो होती है K Q1 Q2 R, स्क्वायर हट जाता है। ये भी पढ़ा, एक इसमें पढ़ा एनर्जी का, अच्छा वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन बताया होगा, T = KE = PE/2 मॉड लगा के, ये एक मिनट, हाँ क्या स्टेटमेंट दे रहा है? एसेंशियल प्लस फाइनल या इनिशियल प्लस फाइनल? मैंने कहा कोई केमिस्ट्री में होती होगी अलग से। हाँ क्या 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 क्वेश्चन?
अच्छा वो सर ने क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह निकलवाई होगी, उसमें बोला होगा एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, बस तुम्हें यही तो पता लगा होगा कि एनर्जी लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा क्यों लिखनी है। अभी तो तुम्हें बस ये बता दिया कि भाई एनर्जी इधर दोनों बराबर कर दो, कहानी खत्म। पर हाँ उन्होंने बोला होगा ना, केमिस्ट्री में आता भी नहीं लोगों को, तो करें क्या। अब सुनो मेरी बात, नहीं नहीं सब आता है यार, सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आओ सुनो, आता ही है प्रवेश सर। अरे मैं सामने बोल दूंगा, ऐसी क्या बात हो गई, चलो इधर। चलो अरे कौन सी अड़ी आया। तो सुनिए, ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसकी एक खास बात, एक और खास बात क्या है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। किसके लिए डिफाइंड होती है? तो हम लोग इसको जब डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। क्या लिखते हैं? डब्ल्यू सी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, वेयर डब्ल्यू सी अभी कुछ भी लिखना नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स का वर्क डन है? और मैं शायद आपको बता चुका हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, याद है बेटा सबको, ठीक है। और ये माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या है? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये ब्रैकेट खोलूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेटा डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ गए? इसके लिए रेफरेंस लेना जरूरी है, बिना रेफरेंस से डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि देख हमेशा डेल्टा यू है, क्या है हमेशा, तो एक किसी को रेफरेंस मानो और उसके हिसाब से एक फाइनल एनर्जी लो। बिना रेफरेंस माने सब कुछ करना गलत है। वो जो तुम बचपन में करते थे ना एमजीएच, उसके अंदर तुम ये बचपन में बिना बताए मानते थे कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तुम्हें पता थोड़ी ना है कि ऐसे रेफरेंस वगैरह मानना है, तुम्हें बोला एमजीएच एमजीएच बस याद कर लो, बॉडी ऊपर गई एमजीएच, बॉडी चल रही है हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो सही है बॉडी चल रही है हाफ एम वी स्क्वायर, पर ऊपर गई तो एमजीएच गलत है। ऊपर गई तो एमजीएच गलत क्यों है? क्योंकि रेफरेंस के बारे में हमें कोई ज्ञान, वेरी गुड। तो ये यू इनिशियल और यू फाइनल, ये दोनों क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी कहां पे? इनिशियल, और एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल लोकेशन पे। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? चलो तो अगर ये बात समझ में आती है तो आप लोगों को शायद ये वाली बात भी समझ में आ जाए कि अगर हम लोग ऐसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यूनिट तो इसकी वही होगी बेटा सारी। यूनिट क्या होगी बोल, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या हो गई बेटा? जूल। सीजीएस क्या हो गई? और वैसे क्या लिखूंगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखनी आती है इसकी, बोलो एमएन टू टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन तो हम वैसे ही नहीं भूलते, याद रहता है ना हमें, है ना। तो सभी के पास वो जो भरा हुआ पोटेंशियल है ना, वो सारा पोटेंशियल एनर्जी को समझने में अभी लगाना है। सुनिए, डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, और क्या क्या लिख सकते हैं, है? हाँ, स्केलर है वो तो पता ही है, एनर्जी स्केलर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होगी। ऐसे थोड़ी हाफ एम वी स्क्वायर कॉस थीटा एम जी एच साइन थीटा कहाँ हो गया, ऐसे तो नहीं करते ना तुम लोग। हाफ एम वी स्क्वायर को इधर लगा देते हैं, वेलोसिटी इधर है, जितना ऊपर आएगा उसके हिसाब से एम जी एच साइन थीटा लगा देंगे, है ना। डाउट माता सोच रहा है गलत क्या बता रहे हैं सर इसमें, यही तो मैं सोच रहा था, परफेक्ट एकदम मैच कर गया ये तो है। चलो, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ना वो हमारे पास कई प्रकार की थी। कैसे थी? कई प्रकार की। जैसे मान लो जब हम लोग मासेज की बात करेंगे तो मासेज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा ग्रेविटेशनल। कौन सी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जब हम लोग स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इलास्टिक। कौन सी हो जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा है ना, अलग अलग प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? है ना। पर अब इसी की अगर मैं आप लोगों को मॉडर्न डेफिनेशन दूं,
क्या दूं इसकी, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल सुनो, मान लो मैं किसी बॉडी को नीचे से लेके ऊपर लेकर आ गया इस तरह से, तो बोलो क्या मैंने कुछ वर्क डन किया होगा? वो जो मैंने वर्क डन किया, क्या वो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में किया? वो जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए किया गया वर्क डन है, वो उस बॉडी में किस रूप में स्टोर हो जाएगा? किस रूप में? तो द वर्क डन इन ऑर्डर टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये सब बातें समझ में आती हैं? वेरी गुड। अभी कुछ छाप मत, पहले जो लिखवा रहा हूँ लिख, उसके बाद में सारी चीजें छापना। लिखिए, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर, दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट एक्सर्ट फोर्सेस, फोर्सेज एक्सर्ट हो गए, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल मिल रहा है लाइव। हाँ, तो बॉडी जो भाई क्या क्या लिखा है मैंने, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई इसका सबसे सीधा सीधा जो एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है ना, वो स्प्रिंग है। मुझे क्या समझ में आता है? आप लोगों ने देखा है ना, स्प्रिंग जो है वो वैसे लंबी हो जाती है और छोटी हो जाती है, ध्यान दिया है कभी? तो स्प्रिंग अगर खींच रही है तो वो सारे पार्टिकल्स आपस में तो कनेक्टेड है ना भाई, स्प्रिंग अगर है तो इसके सारे पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, हाँ या ना? सब लोग एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, याद कर, kx kx लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो एक दूसरे पे kx kx लगाते हैं, मतलब फोर्स तो लगाते हैं। तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अपन लोगों ने क्या कर दी पकड़ के, इसको मान ले इतनी लेंथ थी और इसको जबरदस्ती अपन लोगों ने इतना कर दिया, तो इसके अंदर गड़बड़ होगी ना कुछ, या फिर इतनी लेंथ को अपन ने कितना कर दिया, फिर गड़बड़ हो गई। तो जब भी आपस में इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होंगे और वो आपस में इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल्स के अंदर आप कुछ तो भी गोलमाल कर दोगे, कुछ तो भी क्या कर दोगे, गोलमाल कर दोगे इन आपस में इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। किसके साथ? कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब या तो पिचका दो या खींच दो। तो इसके अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी की बात मिलेगी। किसकी बात मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात क्लियर है? बता, रस्सी में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग? नो, वाई नॉट? इनएक्सटेंसिबल होती है कि नहीं? कंप्रेस करते ही टेंशन क्या हो जाती है? जीरो। तो वो सब किसी काम का? रबर बैंड, रबर बैंड में कर सकते हैं। चोटी में बांधते हैं ना रबर बैंड, चोटी में बांधते हैं, चोटी क्या है? हाँ, चोटी में बांधते हैं कि नहीं? और जो चुटिया वाला जो रबर बैंड होता है उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो रबर बैंड जो बांधा आप लोगों ने, उसको देखो, खींच तो सकते हैं पर कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस थोड़ी होता है रबर बैंड यार, खाली खींचता है, पर अगर खींचेगा तो वो एनर्जी स्टोर कर लेगा। वेरी गुड, उसमें भी बात कर सकते, पर ओनली ड्यूरिंग वन टाइम। कब? एलोंगेशन के टाइम, स्प्रिंग, दोनों टाइम, चाहे कंप्रेस करो चाहे फैलाओ। क्या मेरी बातें क्लियर है सभी लोगों को? अगली लाइन लिखिए, लिखो लिखो है? क्या बोल रहे? क्या च्युइंगम? हाँ, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, पर उसके अंदर क्या है ना, जो इंटरनल फोर्सेस होती है ना, वो बेचारी तोड़ देती है च्युइंगम को। आप उसको इतना ले जाओ और ले जाने की कोशिश करो, टूट नहीं जाती। तो इसलिए ऐसे नहीं, बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, नो प्रॉब्लम, आप सही बात कर रहे हैं। हाँ,
तो रबर बैंड कंप्रेस क्या होता है? अरे ऐसे इलास्टिक लिमिट के बाद तो हर चीज टूटेगी ना यार, पर उसके अंदर ऐसा नहीं है ना कि इतनी खिंच गई अब जोर से ऐसे ले आएगी। तो च्युइंगम की कहानी अलग, ये कहानी अलग। डोंट कंपेयर रबर बैंड विद अ च्युइंगम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रबर बैंड की जरूरत है। दोनों बातें अलग है बेटा, है ना, ध्यान से, ठीक है। चलो अगली लाइन लिखो, लिखिए। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू एज द एनर्जी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू चेंज इन कन्फिग्रेशन पोजिशन और स्टेट। ड्यू टू चेंज इन कन्फिग्रेशन पोजिशन और स्टेट। ठीक है, और इसके बाद में लिख लो, वी से दैट, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, वी से दैट डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। वो सब मार्किंग कर लेना, ये सारी कहानी लिख लेना, और फिर जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लेना। ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाँ, टाइप्स लिख के कर दे, टाइप्स ऑफ पीई, टाइप्स ऑफ पीई, बस हेडिंग डाल के लिख दे। ऐसे तो और भी होती है, पर ठीक है ना भाई। कल कौन सा गेम खेला? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं खेला, तूने नहीं खेला? इतने सस्ते सस्ते तो रखे थे जान करके। हैं, तेरी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? क्या सूट नहीं कर रहा? पानी, पानी सूट नहीं कर रहा? ये तीनों लिख लिया बेटा। चलो एक लाइन लिखो, स्टार वन लिखिए। लिखाऊं? लिखो। पीई, पी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो अपने आप पी लिख लेना, ठीक है। तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव कौन सी थी जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट था? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ब्रैकेट में लिख लेना पाथ इंडिपेंडेंट। ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? पाथ इंडिपेंडेंट। और सारी डिपेंडेंसी होती थी इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर, याद आ रहा है ना? वही कहानी है ना। ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, To define potential energy, we first have to define a reference, and then only, we can talk about change in potential energy, and then only we can talk about change in potential energy. ठीक है, तो इसी बात पे नई नई एनर्जी हमारे जीवन में आ रही है जिसका क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए सारी एनर्जीज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जरूरत नहीं, पर हाँ इसका होना चाहिए, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आओ देखो, देखो भाई क्या होता है। इसको प्यार से जहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले ना बेटा, जीपी लिख लेना। क्या लिख लेना? जीपी शॉर्ट में, हर जगह ही नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे जा रहे हो, तो राइट जीपी इन शॉर्ट, है ना। अब सुनो,
मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बात बोली कि हमेशा हमें क्या डिफाइन करना होता है, एक रेफरेंस डिफाइन करना होता है। तो हम लोगों ने यही वाला फॉर्मूला हर बार अप्लाई करना है, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने मान लिया कि अभी मेरा जो ब्लॉक है एम मास का, वो चुपचाप से ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मेरे को एक रेफरेंस क्योंकि मानना है, तो रेफरेंस पे एनर्जी क्या ली जाए, जीरो या कुछ 5, 10, 15? रेफरेंस पे हमेशा क्या मान के चलो, जीरो। ऑलवेज टेक रेफरेंस टू बी जीरो एनर्जी वाला पॉइंट, है ना। आप लोग जब और बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी पे मानता है। कहाँ मानते हैं? इन्फिनिटी पे। क्वेश्चन किया था ना तुमने ये वाला, इलेक्ट्रॉन के पास आने वाला, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं लिखी थी? जीरो नहीं लिखी थी इनिशियल, जहां से इलेक्ट्रॉन को फेंका था? लिखी होगी ना, पर ये बताया थोड़ी होगा क्यों। कोई बात नहीं, अब यहां आ जाओ, कह रहा था ना वो केमिस्ट्री है, चलो अब यहां आओ। तो इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं, वो आगे जाके पता लगेगा। अभी हमारे लिए जो भी चीजें हैं उसके अंदर, हमने मान लो यहां पर इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल ले लिया। कौन सा लेवल ले लिया? रेफरेंस लेवल ले लिया। अब ध्यान देना, बहुत जोरदार चीजें आने वाली हैं, और इसके ऊपर जेई के अंदर जो सवाल बना या दोबारा से जो बन सकता है वो वाला सवाल भी पूछा जाएगा, सुनना ध्यान दें। रेफरेंस लेवल अगर ये है तो यहाँ आपका ब्लॉक इनिशियली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे यू इनिशियल हो गई, यहाँ क्या डिफाइन हो गई, लेट्स कॉल दिस यू ए। इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, मान लो मैं किसी बी पॉइंट पर इसको लेकर जा रहा हूँ, यह हमारा पॉइंट बी है, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है बेटा, एच। ये हाइट कितनी है? एच। वेरी गुड, कैन यू मेक मी राइट डब्ल्यू ए बी? वॉट इज डब्ल्यू ए बी? एम जी का वर्क डन बताना है, बोल भाई। एम जी लगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 180 डिग्री, तो बोल डब्ल्यू ए बी। इतना डर क्यों रहे तो ये लिखने में, वर्क डन लिखना आता है ना। शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अच्छा माइनस डेल्टा यू, आओ माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस, बोलो सही है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बोल, तेरे को तो फाइनली बी पर है ना, तो फाइनल का मतलब क्या बेटा, बी है, और इनिशियल का मतलब क्या है, ए। तो क्या हम लोग यू बी निकाल सकते हैं? बोलो भाई, क्या माइनस माइनस कट जाएगा? तो यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एच प्लस यू ए, बोलो आएगी कि नहीं? इधर बचपन वाला फॉर्मूले जैसा लग रहा है क्या? अभी कहां लग रहा है, अब लगेगा जब मैं रेफरेंस पे एनर्जी जीरो मान लूंगा। तो देख एम जी एच आ गया, समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि जो रेफरेंस लेवल है उस पे एनर्जी क्या मान लो, जैसे ही तुम लोगों ने जीरो एनर्जी मानी रेफरेंस के ऊपर, मतलब इफ इफ, ऐसा जरूरी नहीं है फिर बता दो, अगर मान लो कोई देकर रखे कि रेफरेंस पे एनर्जी इतनी लेनी है, तो यू कैन टेक इट टू बी जीरो, समझ गए। तो अगर यू ए की वैल्यू क्या ले ली जाए, तो बेटा यू बी की वैल्यू क्या डायरेक्टली एम जी एच लिखी जा सकती है। यही कहानी होती है जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, पर बड़े होने के बाद ये, हाँ, रेफरेंस में अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपने मन से रेफरेंस मानना है, और मन से रेफरेंस मानोगे तो एनर्जी 150-200 क्यों लेंगे, क्या लेकर चलेंगे, जीरो। अंडे पे चलो, बात खत्म, मजा आए। नहीं यही बात समझ, सभी को आ रही है बात समझ? तो ये कहानी हो गई किसकी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, और अगर ए पर जीरो हो गई तो यू बी की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी बेटा, एम जी एच। पर इसके अंदर एक कैच है, बहुत जोरदार कहानी, सुनना वापस। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सुने, हाँ, अगर मान ले मैं एच बाई टू को रेफरेंस मान लेता, किसको रेफरेंस मान लेता, तो क्या यहां से एच बाई टू यू पर जाना पड़ता, यू बी की वैल्यू क्या आती, एम जी एच बाई टू, यू बी की वैल्यू क्या होती, मैं बोल रहा हूं यहां रेफरेंस मान लेता एच बाई टू पे, और यहां से एच बाई टू ऊपर जाता, तो यहां तो जीरो मानता ना, एच बाई टू ऊपर जाता तो यहां क्या लिखता, एम जी एच बाई टू लिखता, बोलो लिखता कि नहीं। तो यार ये तो रेफरेंस बदलने से क्या पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, बोलिए। पर मेरा सवाल ये है कि क्या रेफरेंस बदलने से पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, वो भी चेंज हो जाएगा, यस और नो?
यस हो जाएगा, तो लेट्स प्रूव इट टू बी रॉन्ग, मतलब नहीं होता होगा, रॉन्ग प्रूव करूं या राइट, राइट प्रूव करूं आप लोगों को? वैसे गलत बोल रहे हो पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे सही बोलोगे। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बोली कि मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन चेंजिंग द रेफरेंस, ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चेंजेस या डज नॉट चेंज, ऑफ अ पॉइंट चेंजेस, बोलो सही है। अब मैंने एक और लाइन क्या बोली कि ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट्स रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। अब पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, तो इसके लिए आपने क्या बोल दिया? ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सही है? ट्रू और फॉल्स? कैसे पता सही है? जबरदस्ती सही है, बड़ा बड़ा तो है नहीं, सही है ना, स्टाइल मार रहे जबरदस्ती। ऑल्दो द स्टेटमेंट इज ट्रू बट आई नीड टू प्रूव इट टू यू, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा याद कर, अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पोजिशन पढ़ी थी, याद कर। ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द पोजिशन वैक्टर चेंजेस while the displacement vector does not change. चंपो ऐसे देखने लग जाते हैं कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, तस्वीर जरा एक बार और तो बताना, ये वाई और ये एक्स, ये देख ऐसे तेरा पार्टिकल, ऐसे तेरा पार्टिकल, ए हो रहा आर वन, ए हो रहा आर टू, याद आ रही है उसे, भूल गया उसे, है भाई पुलकित कुछ याद आ रहा से नहीं आ रहा से? आ रहा से, बहुत आ रहा से, याद आ रहा से, ये याद करो डेल्टा आर, याद आ रहा सी, ओके अस्सी भी याद आ रहा सी। अब देख ओरिजन ये था, अब ओरिजन ये हो गया, बोल के आर वन बदल गया, बोलो क्या आर टू भी बदल गया, पर डेल्टा आर बदला क्या? याद आ रहा है अब तो याद आ गया हो, बहुत सारे लोगों को आया हो, बताया गया था आपको। अब सुनो मेरी बात, मुंडी हिलाता रहा कर बस, तो नहीं कुछ नहीं बताया, नहीं बताया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बताया गया होगा। अब सुनो, आपको याद कम रहता है, मेरे को पता है ना आप लोगों की आदतें कैसे हैं। 2D पढ़ा था ना, 2D मोशन, उससे भी बताया जाता, पर चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, नहीं बताया कोई नहीं, आज देख लो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बता ही दिया, मैं तो हुई ना तुम्हारे पास, टेंशन क्यों ले रहे? पुलकित की याददाश्त जारी सी, समझ ना आ रही सी, जा रही सी। R1 R2 याद आया? अब याद करो, मैंने भी तुम्हें यही बोला था, ऑन चेंजिंग द ओरिजिन पोजीशन वेक्टर चेंजेस बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट चेंज, उसी वाली बात का रिपीट टेलीकास्ट है। अब देखना कैसे, थोड़ा सा एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। जब मैं एनर्जी की टर्म्स में इस बारे में बात कर रहा था, तो देख रेफरेंस हेलो ए मान रखा था ना, यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर उसकी फील आ जाए। ये मान लो तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, और एक बार तो अपन है ना गड्ढा खोद के नीचे चले गए एच हाइट, और एक बार अपन बॉडी को ऊपर ले गए एच हाइट, ठीक है। दोनों तरफ एच एच ले रहा हूँ यार, जिससे है ना डेटा में फर्क ना आए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अरे कोई दिक्कत, आपका ब्लॉक जो है ना वो इनिशियली कहाँ पड़ा है? चलो ए पर ही पड़ा हुआ मान लेता है, और मास है मैं टेकिंग द रेफरेंस एट ए, ए को रेफरेंस मान रहा हूँ, ए को क्या मान रहा हूँ, बी पर पहुंचने के लिए, अब मतलब ए पर रेफरेंस माना, तो बेटा यू ए कितनी हो गई आपके पास, जीरो, तो बोल बी पर कितनी आ गई, डायरेक्ट बोल दे, क्या एमजीएच आ जाएगी, वेरी गुड, सी पर माइनस एमजीएच, ये बात क्लिक कर गई, कैसे क्लिक कर गई, क्या बेटा एमजी भी नीचे, क्या बेटा एच भी नीचे, एंगल इज 0 डिग्री, बोलो क्या लिखोगे,
इक्वेशन क्या लिखे हुए बोलो, नहीं इक्वेशन वो डब्ल्यू सी वाली, तो क्या लिखा एम जी एच इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, ऐसे लिख दूं चलेगा? इनिशियल क्या थी, माइनस साइन आ गया ना, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम बताया, बहुत खुशी हुई जान के। तो ऊपर गए अगर रेफरेंस से, ध्यान रखना रेफरेंस पे अगर जीरो है और रेफरेंस से ऊपर चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, रेफरेंस पे जीरो है तो। अभी मान ले आप ऊपर तो जा रहे हो, उससे चेंज आ रहे हैं 100 का, और रेफरेंस से ऊपर माइनस 500 है, तो माइनस 500 प्लस 100 तो नेगेटिव ही आएगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे ध्यान देना, रेफरेंस पे अगर जीरो है और रेफरेंस से ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेफरेंस पे जीरो और रेफरेंस से ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, रेफरेंस पे जीरो और रेफरेंस से नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। ये बात समझ में आती है? Yes, सभी लोगों को आती है? वेरी yes, गुड। तो ये माइनस एम जी एच समझ में आ गया, ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बेटा आपका यू फाइनल क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एम जी एच। असली में ये फाइनल का मतलब सी है और इनिशियल का मतलब ए है, क्या ये सबको दिख गया? बहुत बढ़िया। यू का मतलब क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या? वेरी गुड। कई लोग सोच रहे थे अच्छा इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब जाके समझ में आया, बोलो आया कि नहीं ये समझ। चल आगे की कहानी, तो सी पॉइंट पर आप लोगों ने बोला माइनस एम जी एच, बोलो आया कि नहीं। अब एक काम कर, यू बी माइनस यू सी कितना हुआ बता, यू बी माइनस यू सी एम जी एच माइनस ऑफ माइनस आंसर इज व्हाट, टू एम जी एच, चलेगा बेटा सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, श्योर है? अब रेफरेंस बदल, बोल बी ले या सी, सी लोग बोल रहे हैं सी ले लो रेफरेंस, ये मिटा दूं, ये छापा नहीं गया अभी तक, इतनी देर से क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, सी रेफरेंस लेना है ना इधर दे, कोई जरूरत नहीं है मिटाने की, यहां ध्यान है ना, सी को रेफरेंस माना, किसको रेफरेंस माना, सी को। सी अगर रेफरेंस है तो यहां पर जीरो हो गई भाई, अब यू सी क्या हो गई, जीरो, यू सी क्या हो गई। अच्छा सी से ऊपर जा रहा हूं या नीचे, ए के ऊपर है एम जी एच, तो बी पे क्या होगी, वेरी गुड, तो यू बी कितनी हो गई बेटा, टू एम जी एच, और यू ए कितना आ गया, बोलो आया कि नहीं। अब डिफरेंस क्या लिया था आपने पहले, यू बी माइनस निकाल कितना आ रहा है, जल्दी बोल क्या टू एम जी एच ही आ रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ा? पर देख पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, यू बी देख एम जी एच, यू बी देख टू एम जी एच, यू सी देख माइनस एम जी एच, यू सी देख जीरो, समझ पा रहे हो? अब हवा में कर रहा बी, बी को रेफरेंस, बी को रेफरेंस, यू बी इज यू ए, यू सी शानदार, यू बी माइनस यू सी माइनस ऑफ माइनस टू एम जी एच, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द रेफरेंस, यस ऑफ अ पॉइंट इट चेंजेस बट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नेवर चेंज, क्या मेरी बातें क्लियर है? वन मिनट नहीं, जनरली ग्राउंड लेवल is taken to be the reference level. Generally, ground level is taken to be the reference level. ठीक है? Ground level is taken to be the reference level. Generally ऐसा करना होता है. Ground level मतलब धरती, धरा, भू, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, अच्छा हाँ 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 देखा सबने, वेरी गुड। अब देखो भाई ग्रेविटेशनल की बात हो गई तो इलास्टिक पीछे थोड़ी ना रहेगी, तो वो भी पीछे पीछे आ गई, इलास्टिक सुना है ना बेटा तुमने, वो जो पजामों की इलास्टिक होती है, सुना है आप लोगों ने,
आजकल बहुत जोरदार कपड़े आने लगे हैं, हर कपड़ा वो स्ट्रेचेबल आता है, देखा है? तो स्ट्रेचेबल कपड़े के अंदर एक बहुत जोरदार मटेरियल डाला होता है, उसका नाम होता है इलास्टीन। क्या नाम होता है उसका? इलास्टीन। अब आप क्या अच्छी कंपनी के कपड़े खरीदो ना, तो उसमें 2-4% इलास्टीन के अंदर ही है ना, पूरी की पूरा जो कपड़ा है वो इलास्टिक टाइप का हो जाता है। और यही आप बेकार कंपनी का कपड़ा खरीदो तो वो 30-40% इलास्टीन डाल देता है, और वो जल्दी लूज होके और कपड़ा खराब हो जाता है। अगर अच्छी कंपनी के कपड़े हैं तो उसके अंदर 2-4% इलास्टीन होगा, बाकी आइदर इट विल बी कॉटन, जनरली कॉटन के साथ ही उसको मिक्स करते हैं, तो कॉटन और इलास्टीन का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जीन्स है ना, ये स्ट्रेचेबल होती हैं आजकल, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, तो जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है उसमें इलास्टीन मिली होती है। क्या मिली होती है? इलास्टीन। अरे पजामे वगैरह होते हैं, खटाए क्यों छोड़ के नहीं मारते, फट ऐसे आता है, वो इलास्टिक होती है। क्या होती है? इलास्टिक। बचपन में नाड़े नहीं बनते थे तो इलास्टिक के पजामे पहना देते थे, याद करो, क्योंकि बांधना ही नहीं आता था, बांधना कैसा है, याद नहीं आ रहा? अरे जाओ जाओ, है ना, बहुत स्टाइल मार रहे हो, सब पता है मेरे को। तो ये इलास्टिक वैसा ही इलास्टिक है, ऐसे डरना मत, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली खींचा तो वापस आएगा, पर वो रबर बैंड वाला होता है जो कपड़ों में मिलता है, इसको ऐसे थोड़ी जीन्स को दबा दिया तो छोटे लोगों के भी काम आ गई, ऐसे थोड़ी ना होता है, जीन्स को पकड़ कर ऐसे जीन्स ऐसा नहीं होता भाई साहब, है ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम लोग किसकी बात करने वाले बेटा? स्प्रिंग। किसकी बात करेंगे? स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लो एम मास का एक ब्लॉक है जो के कॉन्स्टेंट के स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड है, ध्यान दीजिए। अभी मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है अपनी नेचुरल लेंथ के अंदर है, और ये नेचुरल लेंथ की वैल्यू एक्स इनिशियल जीरो है, नेचुरल लेंथ हमारी इनिशियल पोजीशन है, और थोड़ी देर बाद ये भाई साहब जो है कहीं यहाँ पर डिस्प्लेस होके आ गए, विच इज एक्स फाइनल, और इसकी वैल्यू एक्स है। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स। तो जल्दी बताएं, फोर्स कहाँ लग रही होगी, अंदर या बाहर? अंदर की तरफ लग रही होगी, तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने, पर क्या वर्क डन लिखना आता है मुझे? अगर ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी है तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी? माइनस हाफ के, क्या बेटा? एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। नाउ ये चांस की बात है कि हम लोगों ने एक्स इनिशियल को क्या ले रखा है, क्योंकि जीरो ले रखा है तो ये वाला जीरो कर दिया जाएगा, और बेटा डब्ल्यू ए बी की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो आएगी कि नहीं? एक्स फाइनल इज एक्स, एक्स फाइनल इज, तो वैल्यू डाल दी, माइनस साइन तो ऐसा कैसा रहा। अब आपसे जब एनर्जी लिखवाई, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्यार से क्या नाम रखा है इसका? ईपीई। वो क्या थी बेटा? जीपी। वो क्या थी? ये क्या है? ईपी। तो डब्ल्यू ने क्या लिखा, जल्दी से बताइए। डब्ल्यू ए बी इज माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू का क्या मतलब है बताएं? माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए, सही है क्या? तो बोलो यहां से डब्ल्यू ए बी अपने को पता है कितना है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए। क्या माइनस माइनस निमट गए? जल्दी बोल यू बी की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू ए, बोलो आया कि नहीं? क्या वैसा ही रिलेशन है एम जी एच प्लस यू ए वाला, देख पा रहे हो? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव सिर्फ उसी केस में हो सकती है जब यू ए की वैल्यू इससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है कि नहीं? पर ए को तो मैंने रेफरेंस ही मान लिया था, और रेफरेंस पे अपन लोग एनर्जी क्या लेके चलते हैं? तो अगर हमारे पास में ए को हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा? रेफरेंस मान के चल रहे हैं, मतलब यू ए इज टेकन एज व्हाट? जीरो। मतलब सीधे सीधे जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा बी पर, वो क्या आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा हो रहा है क्या? क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी? बोल ही नहीं रहे। हाफ के एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा? अच्छा, हो गया। अब चाहे कंप्रेस करो चाहे एक्सपेंड करो, क्या एक्स का तो हर बार स्क्वायर ही होना है? तो हर बार ये आंसर कैसा आएगा? क्या ये बात क्लियर है? जितना एक्सपेंड किया हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना कंप्रेस किया हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन में गड़बड़ थी माइनस प्लस की, पर यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव, नो टेंशन। क्या ये वाली बातें क्लियर है सभी लोगों को? हाँ, क्या चीज नहीं आई?
ये नहीं आया इसमें, क्या नहीं आया? फॉर्मूला है वर्क डन का, पिछली क्लास में लिखवाया देख। अरे फॉर्मूला तो लिखना आता है ना तुम्हें, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है। पन्ने पलटो, घर पे जाके कॉपी प्लीज खोल के देखा करें, तभी याद रहेगा कुछ कुछ। तो इसी बात पे नोट कर लो सारा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक। डन, बहुत बढ़िया। EPE is always positive, पर सिर्फ कब? जब रेफरेंस पर क्या ली गई हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू। ये तो समझ में आता ही है ना, मैं लिख ही देता हूँ, याद ही नहीं रहेगा। ओनली वेन एट रेफरेंस इट इज जीरो, जब रेफरेंस पे जीरो हो तो ठीक है। बढ़े आगे, तीन सवाल एक छोटे से सवाल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हो तुम लोग, उड़ा रहे हो क्या किसी की? तेरे से मजाक कर रहे हैं ये लोग? क्या मजाक किया इससे? अरे वो तो नाम है तेरा। अरे आंसर बोलो ना यार, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? यूए बोल जल्दी। यूए जीरो है, ये है नेचुरल लेंथ। यहां से शर्म नहीं आ रही बोलते हुए जीरो? यूए बोलो, हाफ के एक्स ए का स्क्वायर, कहानी खत्म। यू भी बोलो, हाफ के एक्स ए प्लस एक्स बी का, सबको आ गया। अब माइनस करना है तो बस ये माइनस ही तो कर रहे हैं। बोलो क्या आ जाएगा? माइनस करोगे तो देखिए एक्स ए स्क्वायर कट नहीं जाएंगे, बस तो एक्स बी स्क्वायर बच जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, समझ गया। किसी ने दिया ही नहीं आंसर, मैंने बोला अच्छा ऐसा कैसे हो गया, कोई नहीं ऐसा आंसर दे रहा। मेरे चमत्कारी बच्चे शांत बैठे हैं, ऐसा तो कम ही होता है ना भाई? गलत आंसर तो पहले निकाल के देते हैं हम लोग। हो गया, चलो मिटा दूं, चलो एच सी आर वन निकाल लो।